टास्क नंबर 3 में स्टेप बाय स्टेप इसको मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा ये लैब टास्क नंबर 3 है, लैब टास्क नंबर 3 के अंदर आपको ये पेंटागॉन बनाने को दिया था मैंने। इसके अंदर दो सवाल आते हैं, पहला सवाल तो ये पेंटागॉन है, दूसरा बेटा ये सर्किल के साथ आपने ये लाइंस को डिवाइड करना है। तो पहली जो ओरिजिनल बेटा जो ड्राइंग है वो इसके अंदर आप देखें कि जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं उन सबकी लेंथ बराबर है। पेंटागॉन या हेक्सागॉन इसी तरह का होता है कि उन सबकी जो साइड्स होती हैं बेटा वो बराबर होती हैं। तो इनकी जो लेंथ है वो मिलीमीटर के अंदर 2 मिलीमीटर दी है। अगर मैं क्वेश्चन में आपको मिलीमीटर या इंच नहीं बताता तो आप कंसीडर कर लें कोई एक, तो बाय डिफॉल्ट मैं मल्टी मिलीमीटर जो है वो कंसीडर करता हूँ। अच्छा बेटा जिसका भी नेट इशू आ रहा है बेटा वो थोड़ा वेट कर लें, मैं रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब तक आप जो है वो क्या कहते हैं वेट करें कि जैसे ही आपका नेट एक्टिव होता है तो आप कंटिन्यू इसमें ज्वाइन रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, अभी कुछ बच्चे रह गए शायद उनका नेट का इशू है। अच्छा बेटा मैं कंटिन्यू करता हूँ, जो लाइन सेगमेंट्स है बेटा वो 2 मिलीमीटर के हैं और हम लाइन की कमांड से इसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इनकी जो एंगल्स मेजरमेंट है उनको यूज़ करके पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू इसको प्लॉट करूंगा मैं, ठीक है बेटा। अब हम ऑटो कैड को रन करेंगे। बेटा ऑटो कैड के अंदर आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ऑटो कैड में सबसे पहले आपने जो ड्राइंग स्पेस एरिया है उस पर क्लिक करके इसको ऑटो कैड क्लासिक को एक्टिव करना होता है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ से ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। बेटा आपने सबसे पहले जो वर्क स्पेस एरिया है उस पर क्लिक करके ऑटोकैड क्लासिक पे क्लिक करना होता है, ये सबसे स्टार्टिंग सेटिंग है। इसके अलावा मेरी एक यूट्यूब चैनल पे जो बहुत शॉर्ट 2 वीडियोज़ हैं ऑटोकैड स्टार्टअप सेटिंग्स किस तरह से करनी है, टूल बार किस तरह से प्लेस करना है, वो उसका लिंक मैं जो है आपको अभी भेज दूंगा आपके CR को, तो वो आपसे शेयर कर लेगा, वरना मेरे यूट्यूब चैनल पे आप फाइंड कर लें तो आपको वहां से बहुत शॉर्ट वे में क्विक वे में ये तमाम सेटिंग्स आपको समझ में आ जाएंगी। और जैसे ही आप ऑटोकैड क्लासिक पे क्लिक करोगे बेटा तो आपके पास ये 2 टूल बार ओपन हो जाएंगे, एक ड्रॉ का टूल बार, एक मॉडिफाई का टूल बार। इसी तरह से कोई एक्स्ट्रा टूल बार अगर आपने इन एक्टिव करना है तो उसका तरीका ये है कि इन 2 वर्टिकल टूल बार में से किसी एक पर राइट क्लिक करना है आपने, और यहाँ से जो टूल बार्स पर मैंने चेक लगाया हुआ, जैसे डायमेंशन का टूल बार है, ड्रॉ का है, ड्रॉ का तो ऑलरेडी है, फिर ड्रॉ ऑर्डर की ज़रूरत है नहीं है, इतना ज़रूरत नहीं है, वो एक्टिव है तो आप रहने दें। इंक्वायरी का टूल बार है, लेयर है, मॉडिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिट का टूल बार इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से बेटा UCS2 का और व्यू का टूल बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 से 6 टूल बार थे जो आपने एक्टिव करना है। ये ऑर्बिट का टूल बार है, ये विजुअल का टूल बार है, ये डिस्टेंस मेजरमेंट का टूल बार है, इंक्वायरी का टूल बार है यानी जिसमें से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये डायमेंशन का टूल बार है, ये जो है व्यू का टूल बार है यानी आपने डिफरेंट व्यूज में अगर काम करना होगा 3D में तो आप ये टूल बार यूज़ करेंगे, ठीक है। इस टूल बार की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं, वो आपने यहाँ से आप एक्टिव कर लिया था, इसी तरह से आप यहाँ से भी वर्क स्पेस को एक्टिव कर सकते हैं। ये क्विक प्रॉपर्टीज़ का टूल बार है, ठीक है। अब हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है यानी टास्क है आज का वो स्टार्ट करना है। लाइन की कमांड सेलेक्ट करके बेटा मैं सबसे पहले बेस को ड्रॉ करूँगा, तो लाइन की कमांड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और सॉरी इससे पहले मैं एक सेटिंग्स आपको और बताना चाहता हूँ बेटा, और वो सेटिंग ये है कि अल्लाह भला करे आपने सबसे पहले यूनिट्स डिफाइन करना है, UNITS यूनिट्स लिख के मिलीमीटर आपने सेलेक्ट करना है, यानी ये तो डेसिमल ही रहेगा जो टाइप है, और प्रिसीशन यूनिट्स आप इसके 3 रखें, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप चाहते हैं कि डायमेंशन आपके सामने शो होनी चाहिए, और जो डायमेंशन इस टूल बार से जो सेटिंग होगी
वो ये कमांड कंसोल विंडो के अंदर जितनी भी डायमेंशंस डिस्प्ले होती हैं उनकी सेटिंग यहाँ से होगी, फिर ये मिलीमीटर में आपने कन्वर्ट कर लेना और ओके कर देना है। तो अब आप जो भी सेटिंग आपने करी है वो यहाँ शो होगी कमांड कंसोल विंडो के अंदर। जैसे मैं डिस्टेंस की कमांड पे क्लिक करता हूँ और ये दो रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो इनकी एक्स वाई वैल्यूज नीचे आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगी। अगर पॉइंट के बाद आप टू डेसिमल प्लेसेस तक चाहते हैं कि आपके सामने डायमेंशन आए, तो आप वहीं से दोबारा यूनिट्स में जाके चेंजेस कर देंगे। और जो डायमेंशन में आपने चेंजेस करी है, ये चेंजेस सिर्फ कमांड कंसोल विंडो के अंदर होगी। अगर आप ड्राइंग के अंदर डायमेंशंस को लेबल करेंगे तो वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे जो डायमेंशंस है वो वैसी की वैसी रहेगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखें ये जो डायमेंशन आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले हो रही हैं। इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपके यूनिट्स के टूल बार का। इसकी सेटिंग आपको मैं बताऊंगा वो डायमेंशन स्टाइल के अंदर होगी। तो पहली सेटिंग आपने यूनिट्स की कर ली, अब लिमिट्स डिफाइन कर लें। लिमिट्स के लिए LIMITS लिमिट्स, जब आपने लिमिट्स लिखा है तो लोअर कॉर्नर पॉइंट होगा 0.0 और अपर कॉर्नर पॉइंट आप ड्राइंग को देख कर रखेंगे, यानी जो ड्राइंग है आपके पास उसके अंदर देखें कि जो टोटल डायमेंशन है वो 10 मिलीमीटर के अंदर है। तो मैं 10 बाय 10 मिलीमीटर रखूँ या 12 बाय 9 मिलीमीटर बाय डिफॉल्ट रहने दूँ, ऑप्शन दोनों ठीक हैं, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा हैं, ओवर एक्सीड हैं, एक्सीडेड हैं ये। तो मैंने ये लिमिट्स को डिफाइन कर दिया, इंटर कर दिया है। इसके बाद आप जूम ऑल करेंगे, जेड इंटर और ए इंटर। इस लिमिट्स डिफाइन करने का फ़ायदा ये होता है बेटा कि अगर आपने ज्योमेट्री 1 मिलीमीटर के अंदर बनानी है और टोटल लिमिट्स उसकी डिफाइन हुई हुई है 10 बाय 10 मिलीमीटर या 20 बाय 20 मिलीमीटर, तब आप उसको बनाने के बाद जब जूम ऑल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाएगा, आपको ढूंढने में परेशानी होगी। अगर आप लिमिट्स पहले से डिफाइन कर लें तो वो जूम ऑल करने के बाद इसी स्क्रीन के अंदर रहेगा, तो आपको उसको ढूंढने में और उस पर काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेटा अब हमने लाइन की कमांड सेलेक्ट करके इंटर करना है, और जो पहला पॉइंट है बेटा वो रैंडम में कहीं भी सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद मैंने ऑर्थो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये ऑर्थो मोड आपको नज़र आ रहा है, इसको आप एक्टिव करेंगे। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग है उसको एक्टिव रखना है, इसके बगैर आप काम नहीं करोगे, कोई सी भी ड्राइंग में काम नहीं करोगे, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसकी सेटिंग्स में आप राइट क्लिक करके आएंगे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग की, और इसमें 4 पॉइंट्स तो आपने चेक लगाना है, यानी कॉर्डन पॉइंट, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो एज पर नीड वी विल यूज़ और वी कैन यूज़, तो मैं आपको कुछ बता दूंगा कि किस तरह से आपको उसको यूज़ करना है। तो अब आपने ऑर्थो का मोड जैसे ही एक्टिव किया है तो माउस का कर्सर आप राइट साइड पे 0 डिग्री पे रख के छोड़ दें और टू लिख के इंटर करें, तो ईजीली देखें यहाँ पे एक लाइन बन गई है 2 मिलीमीटर की। अब सेकेंड पॉइंट किस तरह से प्लॉट करना है बेटा, यहाँ पे एंगल की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। दिस इज 108 डिग्री फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और ऑटोकैड यूजेस कैलकुलेशन मेजरमेंट फ्रॉम द राइट साइड। जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 0 डिग्री होता है ऑटोकैड के अंदर, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वो मेजरमेंट करता है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का एंगल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ का एंगल कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि टोटल 180 में से माइनस कर दूँ मैं गिवन एंगल 108 डिग्री को, तो रिमाइंडर जो बचेगा मेरे पास वो 72 डिग्री आ जाएगा। तो 72 डिग्री मैंने कैलकुलेट किया है एंगल, और लेंथ मुझे पता है 2 मिलीमीटर है। ये करने के बाद बेटा मैं माइक को एक्टिव करूँगा आप सबके, और आपको जो पूछना है मुझसे पूछ लेना। तो मैं लिख रहा हूँ एट द रेट 2 मिलीमीटर और एंगल लिखूंगा 72। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्यूरी है तो बेटा आप वो मुझसे पूछ लें, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, अनम्यूट करना। हाँ बेटा, अगर पूछना यहाँ तक तो पूछ लें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। बेटा मैंने माइक एक्टिव कर दिए आपके। सर मुझे ये पूछना है, मैं आपके साथ साथ कर रहा हूँ, ये जो आपने एंगल बनाया है ये जी आपका खुद बना है उस लाइन, या आपका एंगल उस लाइन के साथ खुद बना है मेरा, क्योंकि बन नहीं रहा ये बेटा, ये 108 डिग्री, जी। ये जो जी इसको हमने माइनस करके जो बनाया है 72 जो निकला है हाँ हमारा, 72 यहाँ से राइट साइड से निकला है।
मैं आपको एंगल मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ, देखें आप एंगुलर मेजरमेंट यहाँ से करेंगे, टूल बार यहाँ से निकालेंगे और इन दो लाइंस को सिलेक्ट करें, देखें ये देखें 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां से मेजरमेंट करूंगा तो ये 180 डिग्री की जगह 72 डिग्री आ जाएगा, सर मेरा ये एंगल बन ही नहीं रहा लाइन पे। बेटा आपने जो कमांड है ना उसमें दोबारा से रीटाइप करें, आपने लिखा सही है @2 angle 72 लिखे, और बेटा बाकी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, माइक अनम्यूट करके पूछ लें, मैं ये आपको टास्क परफॉर्म करा रहा हूँ जो आपके असाइनमेंट 2 का हिस्सा है, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आपको मिल भी जाएगी ये, ठीक है। मेरा हाल है हम स्लोली स्लोली आगे जो है प्रोसीड करते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व हो जाएंगी मेरी रिकॉर्डिंग देख के भी। और जैसे इस बच्चे ने पूछा है कि 180 डिग्री नहीं आ रहा, तो बेटा वहां पे देखें आप कोई आपने पॉइंट्स में मिस्टेक कर दी होगी या लिमिट्स डिफाइन नहीं किए होंगे, देखें। और इस स्टेप को मैं दोबारा रिपीट भी कर सकता हूँ, रिपीट कर दूं? जी सर रिपीट कर। यस सर। अच्छा बेटा मैंने आप सबका माइक जो है वो एक्टिव किया हुआ है, और आपको जब जरूरत हो तो आप उस वक्त बोलना जब मैं पूछूं, क्योंकि मुझे बार बार ना क्या कहते हैं इसको इनएक्टिव करने में टाइम लग रहा है, तो मैं अब डायरेक्ट जो है ना स्क्रीन शेयर पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों का माइक एक्टिव है तो बेटा आप जो है उसी वक्त एक्टिव करना जब मैं बोलूँ, ठीक है। बेटा लाइन की कमांड आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने क्लिक करना था, और 0 डिग्री की डायरेक्शन में माउस का कर्सर रखकर आपने 2 लिख के इंटर करना है, फिर बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में आपने 108 डिग्री पे क्या कहते हैं उसको एक्टिव करना है। बेटा आप लोग ना अपना माइक बंद कर दें, कुछ का माइक खुला हुआ है तो बेटा डिस्टर्बेंस हो रही है, आप लोग खुद ही बंद कर दें अपना माइक, जब आपसे पूछूंगा ना आप खुद ही अनम्यूट कर लेना, मैंने आप सबको अलाउ किया हुआ है। हाफिज बेटा, हाफिज हुसैन अपना माइक म्यूट करो। बेटा हाफिज, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है उसके पास, चलो हम आगे चलते हैं यहाँ पे। बेटा यहां पर ना अब मैंने लाइन को ड्रॉ करना था, 108 डिग्री आना चाहिए, तो मैं @ लिखूंगा और 2 लिख के एंगल डिफाइन करूंगा 72 डिग्री और एंटर कर दूंगा, तो बेटा इसी स्टेप को आपने फॉलो करना है। और एंगुलर देखे पोजीशन, जब मैं यहां से यहां मेजरमेंट करूंगा तो ये 108 डिग्री है और यहां से यहां तक 72 डिग्री है, यहां तक आपका अगर हो गया है तो आगे चलते हैं, ठीक है। बेटा हाफिज हुसैन की मेरे पास 2 IDs आ रही हैं, क्या चक्कर है? सर एक फेक आईडी है हाफिज हुसैन, जिस अभी पिक्चर नहीं लगी, जिसमें तस्वीर आ रही है वो फेक है या दूसरी फेक है? सर दूसरी फेक है, जिसमें तस्वीर नहीं है। सर जिसपे तस्वीर है वो सही है, जिसपे तस्वीर नहीं है वो फेक आईडी है। यार ये क्या हरकतें करते हैं स्टूडेंट, यार मजा नहीं आता। ये शायद या तो तफरी करने आया, क्या मसला है? चलो रिमूव हो गया वो, अच्छी बात है। बेटा शाहजेब अलियास यहाँ पे मौजूद है? शाहजेब है क्लास में बेटा? हेलो सर। हेलो। यस सर। हाँ चलो ठीक है बेटा, अब अपने माइक जो है वो म्यूट कर दो, मैं जो है आगे चल रहा हूँ। अब बेटा हमने कंप्लीट करना है ज्योमेट्री को ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल है बेटा वो कैलकुलेट करना होगा। ये एंगल बेटा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 36 डिग्री दिया है, हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे प्रीवियस स्टेप को, तो हमने करना ये है कि टोटल 180 माइनस 36 डिग्री जो रिमाइंडर है वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, जो ऑटोकैड समझता है दिस इज 144 डिग्री जो कि लेफ्ट साइड से यहाँ दिखा रहे हैं वो सेम है यहाँ पर, कि यहाँ पे 144 डिग्री आंसर आएगा, तो 144 डिग्री पे आपने प्लॉटिंग करनी है।
तो अब मैं बेटा लाइन की कमांड में रहते हुए लाइन इंटर और फर्स्ट पॉइंट मैंने बेटा ये क्लिक करना है और मैंने एट द रेट टू लिख के एंगल बताना है 144 144 जब मैं बताऊंगा तो ये देखें हमारा ये वाली लाइन भी बन गई है। अब स्टूडेंट्स के पास बेटा प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि वो एंगल 36 डिग्री नहीं आता, वो डायरेक्ट 144 डिग्री दिखा रहा होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि ये एंगल की कमांड आपने रन करी और इस लाइन को आपने सेलेक्ट किया और इस लाइन को आपने सेलेक्ट किया तो ये आ रहा है 108। तो बेटा यहाँ दरमियान में कोई लाइन मौजूद नहीं है इसलिए वो 36 डिग्री नहीं दिखा रहा। तो आप एक छोटी सी लाइन प्लॉट करें यहाँ पर और इन दोनों का एंगल आप जब प्लॉट करोगे तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल यानी 36 डिग्री। ठीक है, तो ये 36 डिग्री पे लाइन प्लॉट हो गई है। मैं इस डायमेंशन को इरेज कर रहा हूँ और अब बेटा हमें रिमेनिंग पार्ट पहले बनाना है, बाद में हम जो है मेजरमेंट प्लॉट करते हैं, पहले ड्राइंग ऑब्जेक्ट बन जाए। अब आप ये डिजाइनिंग के अंदर देखते हो कि अगर रिमेनिंग पार्ट सिमेट्री है, आइडेंटिकल है, तो आप उसको मिरर की कमांड से रिमेनिंग पार्ट को ड्रॉ कर लेते हो। तो मैं सिर्फ इन दो लाइंस को मिरर करूंगा और ये दो लाइंस जनरेट कर लूंगा। बेस जो है वो थ्रू आउट दी ज्योमेट्री सेम है, उसको मिरर करने की जरूरत नहीं है वरना वो ओवरराइड हो जाएगी। तो मिरर की कमांड रन करने के लिए आप क्या करते हो कि मॉडिफाई के टूल बार में तीसरा ऑप्शन है मिरर, इसको क्लिक करोगे और ये सबसे पहले पूछता है कि आप वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें जिनका मिरर इमेज जनरेट करना है। तो हमने उनको सेलेक्ट कर लिया और इंटर किया। अब टू पॉइंट्स आपको वर्टिकल ज्योमेट्री इमेजिनरी लाइन होती है मिरर लाइन, उसके टू स्ट्रेट पॉइंट्स आपको बताने होंगे। ठीक है, और वो मैंने ये दो पॉइंट्स बता दिए अपवर्ड और डाउनवर्ड। और अब ये ऑटोकैड आपसे पूछेगा कि सोर्स ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट करना है या नहीं। तो मैंने इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है नो, नो लिख के मैं इंटर करूंगा तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ज्योमेट्री। फिर इसी तरह से ये टास्क नंबर 3 आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब ये रिमेनिंग पार्ट आपने खुद मिरर करना है, यानी इसको दोबारा सेलेक्ट करें और इसको मिरर कर दें नीचे की तरफ और फिर डायमेंशन आप प्लॉट कर दें। डायमेंशन के अंदर एक ऑप्शन होता है अलाइंड का ऑप्शन, अलाइंड की जो ऑप्शन है वो वहां यूज होता है जहां पे टेपर लाइन के साथ आपने इस तरह से अलाइनमेंट के साथ डायमेंशन को प्लॉट करना है। जैसे मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि जैसे ये लीनियर है, लीनियर को अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा डायगनल लाइन पे तो बेटा वो या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायमेंशन बताएगा या वाई एक्सिस के बताएगा, इसके साथ अलाइंड ऑप्शन में नहीं बताएगा। तो आपने करना ये होता है बेटा इसमें अलाइंड का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करें और ये दो पॉइंट सेलेक्ट करके देखें ये अलाइनमेंट के साथ ये डायमेंशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आप सबने क्या करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि जो जीरोज आ रहे हैं पॉइंट के बाद ये बहुत ज्यादा है, इनको कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डायमेंशन के टूल बार में जाके डायमेंशन स्टाइल को आप एक्टिव करें और इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं एनोटेटिव और स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड को यूज करें क्योंकि एनोटेटिव भी एक टाइप है। तो स्टैंडर्ड जो है वो बेसिक है, वो सब यूज करते हैं, तो आप भी वो यूज करें स्टैंडर्ड। इसमें मॉडिफाई के ऑप्शन में आप आ जाओगे, मॉडिफाई के ऑप्शन में आने के बाद आपने बेटा सिंबल्स एंड एरोस पे क्लिक करना है। एरो साइज आप यहां से चेंज कर सकते हो, अगर एरो साइज आपने थोड़ा इंक्रीज करना है तो ऑब्जेक्ट आपका 2x2 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर के अंदर अंदर है तो आप इसको 0.3 मिलीमीटर कर दें। और सेंटर मार्क क्या चीज़ है, सेंटर मार्क सर्किल के अंदर जो सेंटर पॉइंट शो करने के लिए सेंटर मार्क होता है उसको आप 0.2 कर सकते हैं, मगर वो इस ऑब्जेक्ट में कहीं यूज नहीं हो रहा। सेकंड, आप टेक्स्ट की हाइट चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट वाले टैब में आप आकर टेक्स्ट हाइट को आप चेंज करें, टेक्स्ट हाइट भी आप इसकी थोड़ी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको 0.25 कर दें। बेटा प्राइमरी यूनिट्स तीसरा ऑप्शन है जिसके अंदर प्रिसिशन पॉइंट्स आप 2 रख दें या 3 रख दें, तो हम चाहते हैं कि 2 रख दें। अगर वो ऑब्जेक्ट के अंदर सही से डायमेंशन शो हो रही है तो आप 2 या 3 एज पर योर नीड रख सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। देखिए आपकी जितनी डायमेंशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गई है। ठीक है, अब जितनी भी आप डायमेंशन प्लॉट करेंगे वो इसके हिसाब से प्लॉट हो जाएगी। रिमेनिंग पार्ट बेटा आप लोगों ने बनाना इस तरह से कि आपने अगेन मिरर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये पूरी कमांड को मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अब ये टू पॉइंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस आपने बताने हैं। इस तरह से क्लिक कर देंगे और नो करके इंटर करेंगे तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट मिरर हो गया। तो ये आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये जो टास्क एक कर लिया था
अब बेटा मैं जो टास्क नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर टू है वो बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, आप लोगों को बेटा कुछ सवाल है तो पूछ लें। मॉडिफाई स्टाइल डायमेंशन बता दें, आपने कहाँ से ओपन किया था? बेटा आप लोगों को कुछ हेलो पूछना है तो पूछ लें। सर, वो डायमेंशन वाला जो डायलॉग बॉक्स आपने ओपन किया था वो कहाँ बेटा से थोड़ा किया जोर से था? बोलो सादिया। सर, मॉडिफाई डायमेंशन बॉक्स जो भी आपने ओपन किया था ना, वो कहाँ से किया था? अच्छा बेटा वो डायमेंशन का टैब था, डायमेंशन के टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें डायमेंशन स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे, डायमेंशन के टैब में जाके डायमेंशन स्टाइल को सिलेक्ट करना है। बेटा और कुछ पूछना है? इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपने माइक्स को आप म्यूट ही रखें अभी। बेटा अब क्वेश्चन नंबर टू है टास्क नंबर थ्री का। बेटा क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपको एक्सटेंड की कमांड यूज करनी है, आपको रोटेट की कमांड आपको बताइए, आप रोटेट की कमांड आप यूज कर सकते हैं और उसकी जगह पे आप पोलर एरे की कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। बेटा ये शहूद कौन है ये? बेटा ये शहूद कौन है? ये गाने चला रहा है सर, फेक आईडी है सर, रिमूव कर रहे हैं यार। एक तो ये पता नहीं क्या सर, फेक आईडी रिमूव कर रहे हैं सर। अगर इनको तफरी करनी है बेटा, मैं फ्री टाइम दे दूंगा, उसमें आके तफरी कर ले, अभी तो ना करें सर, रिमूव कर दें इनको सर। हाँ बेटा इसको मैंने रिमूव कर दिया, मगर लोग आते जा रहे हैं यार, ये पता नहीं। चलो खैर, कैनी वो सर को सर वो सेटिंग होती है ना, रूम लॉक हो जाएगा सर। सर लॉक कर दें यार, असल में अभी 17 पार्टिसिपेंट्स है, अगर कोई और आना चाहता है फिर क्या होगा सर? वो मैं मैसेज कर दूंगा। अच्छा चलो, मुझे मैसेज करेगा। मुझे मैसेज कहाँ करोगे, मोबाइल पे या यहीं करोगे? नहीं सर वो मुझे करेगा तो मैं आपको यहाँ पे वॉइस में बता दूंगा आपको। अच्छा हाँ, मुझे वॉइस बता देना, मैं लॉक कर रहा हूँ मीटिंग को। ठीक है, ठीक है सर, मैंने लॉक कर दिया सर। उमर मुबारक हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए सर। अच्छा अच्छा बेटा, ये जो हमारा जो कॉल है, ये हमारी मीटिंग जो है 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि लिमिटेशन 40 मिनट्स का है। फिर दोबारा से मैं जो है मीटिंग को दोबारा क्या कहते हैं एक्टिव करूँगा, तो आप लोग दोबारा से एक्टिव हो जाना, भाग नहीं जाना, इसलिए कि 10 मिनट्स का मुझे मैसेज दे रहा है ये रनिंग आउट टाइम। ठीक है, असल में थोड़ा सा टाइम हमारा जो वेस्ट हो रहा है ना बेटा, वो इसी चक्कर में हो रहा है कि कोई फेक आईडी में गाने लगा देता आगे, तो हम उस चक्कर में लग जाते हैं। अब मैं थोड़ा क्विक वे में जा रहा हूँ। हमें बेटा इसका टास्क इस तरह से करना है कि टास्क नंबर थ्री के क्वेश्चन नंबर टू में सर्किल बनाना है, सर्किल जो है 3 मिलीमीटर रेडियस का है। फिर इसके अंदर बेटा ये इस तरह से लाइन्स बनानी है, आप लोग रोटेट की कमांड से भी बना सकते हैं, और सिमिलरली आप लोग क्या करें कि इसको पोलर एरे की कमांड से भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं पोलर एरे की कमांड यूज़ करूँगा बेटा। तो मैंने जो भी कुछ बनाया बेटा यहाँ पे मैं इरेज ऑल कर रहा हूँ। अब सर्किल मैंने ड्रॉ करना है, यहाँ क्लिक करके सर्किल की कमांड मैंने रन करी, सी लिख के एंटर किया। अब और सेंटर पॉइंट मैंने रैंडम पिक कर लिया है, और रेडियस आपने बताना है 3, और फिर आप जूम एक्सटेंड कर लें। अब बेटा सेंटर में एक लाइन बनानी है, सेंटर में जो लाइन बनानी है बेटा उसके लिए आप पहले ये समझ लें कि टोटल लेंथ जो है लाइन की वो है 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर की सेंटर में लाइन बनानी है, हाफ सेंटर से लेके यहाँ तक 1.25 मिलीमीटर। फिर मैं उसको पोलर एरे में इसकी कॉपी कर दूंगा सारी, टोटल 8 सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं हमने। तो बेटा अब मैं क्या करूँगा कि एक लाइन सेलेक्ट करूँगा, और सेंटर पॉइंट मुझे सेलेक्ट करना है सर्कल का। तो उसका तरीका ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट स्टेप सेटिंग को आपने एक्टिव किया हो, और सर्कल की जो बाउंड्री है वहाँ पर आप माउस का क्रॉस हेयर को लाकर रोटेट करें या थोड़ा सा मूव करें तो सेंटर पॉइंट अपीयर हो जाएगा। दिस इज योर सेंटर मार्क, और इस पर लाके आप क्लिक कर दें, और एक लाइन जल्दी से आप 1.25 मिलीमीटर की जनरेट कर दें, 1.25 मिलीमीटर। और अब ये एक लाइन आ गई है, इसको आपने टोटल रोटेट करना है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं आपके पास, इसको काउंट कर लें बेटा। टोटल सेगमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 और 8, टोटल 8 नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो पोलर एरे में आपको बताने होंगे। तो मैं AR लिख के एंटर कर रहा हूँ, और पोलर का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, देन सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, आपने लाइन को सेलेक्ट करना है, एंटर,
देन यू हैव टू सिलेक्ट द सेंटर पॉइंट ऑफ योर सर्किल. तो आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करें और सर्किल का सेंटर पॉइंट आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एंड पॉइंट होगा लाइन का. फिर नंबर ऑफ आइटम्स आपने बेटा 8 रखने और 360 कंप्लीट रोटेशन एंगल आपने रखने और प्रीव्यू कर लें. प्रीव्यू आपने किया, आपके पास लाइंस बिल्कुल ठीक आ गई हैं, आप इंटर कर दें. तो यहाँ आपका पोलर एरे कंप्लीट हो गया बेटा. अब उसके बाद आपने एक्सटेंड की कमांड से आपने एक्सटेंड करना है. तो एक्सटेंड की कमांड के लिए आप ई एक्स लिख के इंटर करें और एक और दफा इंटर करें बेटा. सेलेक्ट करने से पहले एजेस को आप दोबारा से ई वाले ऑप्शन में आएंगे, एज वाले ऑप्शन में, ये जो एज है. तो ई लिख के आप इंटर करें और यहाँ पर एक्सटेंड आना चाहिए, नो एक्सटेंड नहीं आना चाहिए. नो एक्सटेंड, एक्सटेंड आएगा तो वो एक्सटेंड नहीं होगा. तो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ई लिख के इंटर कर दें और फिर आप बारी बारी उन तमाम लाइंस के कॉर्नर पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करना शुरू कर दें. विंडो बना के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो एक साथ एक्सटेंड हो जाएंगी. तो ये बेटा हमारा टास्क नंबर 3 कम्प्लीट हो गया यहाँ पर. ये आपको बस कुछ मॉडिफाइंग कमांड्स हैं, उनसे आपको यूज़र यूज टू करना था और कुछ प्रैक्टिस करवानी थी, वो हो गई है बेटा. यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद मैं टास्क नंबर 4 शुरू करूँगा. सर ये पोलर वाली बात आप रिपीट कर दीजिए, वो जो पोलर वाली कमांड पे आपने सेटिंग की थी सर. अच्छा बेटा, वो मैं जल्दी बता देता हूँ आपको कि आपने करना ये था कि मैं अंडू कर रहा हूँ और पोलर एरे के लिए ए आर लिख के इंटर करें. फिर आप पोलर एरे का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे बेटा. फिर आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट आपकी ये लाइन है, फिर इंटर करना है और फिर सेंटर पॉइंट पे आपने क्लिक करना है. तो सेंटर पॉइंट वाला ये ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करके आपने इस लाइन का एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लें जो कि सेंटर पॉइंट पे आपने बनाई है. जब आपने ये कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपने 8 रखने, हमने पहले ही काउंट कर लिए थे अपनी ज्योमेट्री में. और एंगल टू फिल जो है 360 डिग्री जो कि पूरे सर्कल का होता है, इस पूरे सर्कल पे आपने इक्वली डिवाइड करना है 8 सेगमेंट्स को. तो यहाँ प्रीव्यू कर लें. प्रीव्यू करने के बाद आप देखेंगे लाइंस आ गई हैं आपकी, आप इंटर करके ओके कर दें और देन आपने सिर्फ एक्सटेंड करना है. इस वीडियो की मैं रिकॉर्डिंग भी करता जा रहा हूँ बेटा, ठीक है? ठीक है सर. अच्छा अभी तो हमारा 27, मेरे पास रिकॉर्डिंग तो 27 मिनट्स की है, बट जो जूम सॉफ्टवेयर है मैंने वो पहले से स्टार्ट किया हुआ था, तो इस वजह से वो अब 40 मिनट्स के करीब रिमेनिंग टाइम शो कर रहा है, 4 मिनट्स. तो मैं टास्क नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ बेटा, जहाँ तक होगा फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे. मुझे मैसेज आ जाएगा कि मीटिंग एंड हो गई है यानी. तो बेटा टास्क नंबर 4 मैं ओपन कर रहा हूँ. टास्क नंबर 3 तो बहुत आसान था, आप सबने कर लिया था. बेटा टास्क नंबर 4 के अंदर आपको ये ज्योमेट्री बनानी थी. इस ज्योमेट्री के अंदर बेटा ये जो सर्कल्स हैं आपने पोलर एरे, सॉरी जो रेक्टेंगुलर एरे का ऑप्शन है उसके थ्रू ये जनरेट करने थे सारे मैट्रिक्स. तो ये तो बहुत आसान है जो मैंने आपको क्लास में कराए थे बेटा. अब आपने जो मेन काम ये करना है कि इसकी ज्योमेट्री की डायमेंशन निकालनी थी, कुछ अप्रोक्सीमेट करनी थी. तो मैंने आपकी आसानी के लिए बेटा ऑटोकैड के अंदर ये बना के रखा हुआ है. तो आप इसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास. बेटा आप सबको मैं कह रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से लें, जैसे मैं एक काम करता हूँ जूम विंडो और ये वाली ज्योमेट्री का आप स्क्रीनशॉट ले लें. इसमें डायमेंशन मैंने डिटेल में लगा दी ताकि टास्क नंबर 4 आपका आसानी से हो जाएगा. बेटा स्क्रीनशॉट ले लें आप सब. तो लाइन की कमांड से बेटा आप सब ने इसको जस्ट ड्रॉ करना है सिंपली. तो टास्क नंबर 4 ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है. आप सब ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिए. और जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया बेटा वो मेरी वीडियो लिंक का वेट करे, मैं आज ही आपको अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट होता है. तो फिर आप उससे देख के कॉपी कर लेना, क्योंकि ये डायमेंशन मैंने इसलिए लगाई आपको टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो ये बहुत इजी वे में आप कर लोगे, ठीक है? सादिया कुछ पूछना है? यस सर. सर ये मैंने बाकी पूरी डायग्राम बना ली है, सिर्फ ऊपर वाली जो है ना वो मतलब जो जहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हमने चैम्फर करना था बेटा. वो मैं भी बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ. अपना माइक जो है ना अभी आप बंद कर लो, बस 2 मिनट्स रहेगा फिर वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी. मैं ये सब बता रहा हूँ, चैम्फर कैसे आपने अप्लाई करना है, फ्लेट कैसे करना है, वो अब अगला स्टेप है. अब आप सब ने बेटा ये आपने कॉपी कर लिया है. अब उसके बाद बेटा मैंने करना ये है कि मैं इस ड्राइंग को कॉपी करूंगा और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने कैसे करा है. अब बेटा कॉपी करने का तरीका ये होता है कि आप सेलेक्ट ऑल कर लें और आप ये चाहते हैं कि जो डायमेंशन है वो सेलेक्ट ना हो तो आप इसी वक्त R लिख के इंटर करें, R फॉर रिमूव. जब आप रिमूव करेंगे तो आप उस डायमेंशन पे क्लिक करते जाएं जल्दी जल्दी जिसको आपने रिमूव करना है, तो वो आपकी वो डायमेंशन कॉपी नहीं होंगी, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स कॉपी हो जाएंगे.
अगर मैंने ये काम लेयर्स के अंदर किया होता तो उससे बहुत आसान हो जाता काम। तो लेयर्स वाला आप लेक्चर ज़रूर देखें, मेरा लेक्चर नंबर 6 या 7 है। अब बेटा मैंने ये भी इंटर करा और इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब सिंपली मैं इसको जूम विंडो कर रहा हूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगा। मैंने दो कमांड्स अप्लाई करनी है बेटा, एक तो फिलिट की कमांड और एक है चैम्फर की कमांड। तो बेटा यहाँ पर जो फिलिट की कमांड से मैंने रेडियस सेलेक्ट करना है, वो रेडियस इस सर्किल का है 0.5 मिलीमीटर और टोटल लेंथ इसकी 1 मिलीमीटर है। तो फिलिट के अंदर रेडियस आपने अप्लाई करना है इन चारों पे 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि रेडियस हाफ होता है सर्किल का। तो जल्दी से आप एफ लिख के इंटर करोगे तो फिलिट की कमांड एक्टिव हो जाएगी। फिलिट की कमांड का जो करंट सेटिंग मोड है वो ट्रिम होना चाहिए और रेडियस 0.5। अगर नहीं है तो आप आर लिख के इंटर करें और 0.5 लिख के आप इंटर करोगे तो 0.5 रेडियस आ गया। सेकेंड आपने बेटा मल्टीपल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है जब आपने एक से ज़्यादा दफ़ा फिलिट की कमांड को रन करना है, वरना वो डिसेबल हो जाएगी। तो मैं एम लिख के इंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करते जाना है इस तरह से कंटिन्यू। ठीक है, बस 1 मिनट रह गया बेटा, ये कैंसिल होने वाली है, फिर मैं दोबारा एक्टिव कर दूंगा इसे। तो बेटा यहाँ हमने फिलिट कर लिया कामयाबी के साथ। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा मैंने आपको ये बताना है कि जो चैम्फर की कमांड है, चैम्फर की कमांड के अंदर टोटल लेंथ जो जब आप अप्लाई करोगे तो दिस इज 5 मिलीमीटर, जबकि एक्चुअल जो डिस्टेंस था वो 7 मिलीमीटर था, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपने टोटल जो डिफरेंस डालना है वो 5 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर के अंदर है, वो 2 मिलीमीटर है। तो 2 मिलीमीटर राइट साइड का हाफ होगा और हाफ इसका होगा, तो टोटल इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर का मतलब है कि आप चैम्फर की कमांड के अंदर डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 यहाँ जो अप्लाई करेंगे वो 1 मिलीमीटर यहाँ पर और 1 मिलीमीटर यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से आप जल्दी से सी एच ए लिख के इंटर करें और डी लिख के इंटर करें और 1 लिख के आप इंटर करें और फिर 1 लिख के आप इंटर करोगे तो डिस्टेंस आपका सेलेक्ट हो गया। और फिर आप यहाँ से यहाँ तक ये दो लाइन्स आपने सेलेक्ट करी, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक ये दो लाइन सेलेक्ट करी, तो इस तरह से आपका ये चैम्फर अप्लाई हो गया। तो अब आप लीनियर डायमेंशन से यहाँ पे डायमेंशन प्लॉट कर दें। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है बेटा। मैंने जो अपनी बात ब्रेक करी थी वो चैम्फर की कमांड से थी। चैम्फर की कमांड के अंदर आपको ये देखकर कैलकुलेशन करनी थी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन थी बेटा वो 7 मिलीमीटर थी और नीचे भी 7 मिलीमीटर थी। जब आप चैम्फर की कमांड अप्लाई करते हो तो दोनों का जो डिफरेंस है वो टोटल 2 मिलीमीटर है, यानी नीचे जो लेंथ चैम्फर अप्लाई करने के बाद आनी चाहिए वो 5 मिलीमीटर आनी चाहिए टोटल। तो इसका मतलब है 1 मिलीमीटर राइट साइड पे चेंज आएगा और 1 मिलीमीटर लेफ्ट साइड पे चेंज आएगा। तो आपने चैम्फर की कमांड से अप्लाई करना था डिस्टेंस 1/1 मिलीमीटर। तो आपने दोनों लाइंस को नीचे वाली सिलेक्ट करके इस तरह से इसको शिफ्ट कर दिया। अब बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट पे आपको कोई डायमेंशन नहीं दिए, तो आपने समटाइम ये देखना होता है कि जो एंगल यहाँ पर है क्या वो एंगल यहाँ पर भी है, बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वाली डायमेंशन 2.5 मिलीमीटर तो सेट हो गई है। ऊपर वाली डायमेंशन आपने ये देखकर निकालना है कि ये भी 1 है और ये भी 1 ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्री है, आइडेंटिकल है। तो आपने 1 मिलीमीटर का वही अप्लाई करना है चैम्फर ऊपर की तरफ भी। तो सी एच ए लिख के एंटर करें और मल्टीपल का ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे और फिर बारी बारी आप इन दो लाइंस को सिलेक्ट करोगे इस तरह से और ये वाली लाइन। तो इस तरह से आप देखें कि आपके पास चैम्फर आपने अप्लाई कर दिया है और टोटल आप डिस्टेंस यहाँ का देख लें। अच्छा, जब भी आपने ये डिस्टेंस लेबल करना है यानी डायमेंशन लेबल करनी है, तो बेटा ये जो डायमेंशन आपके पास 5 मिलीमीटर की ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रही है, इसकी वर्टिकल लाइन है, दिस इज़ योर एक्सटेंशन लाइन। तो इसका एंड पॉइंट और इस ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट बहुत क्लोज है, तो जब भी आपने ये पॉइंट सेलेक्ट करना है तो इनको करीब ले जाके सेलेक्ट करना है ताकि आप गलत पॉइंट सेलेक्ट ना कर लो। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके और ये प्लॉट कर दिया है। फिर एक और आपने लीनियर डायमेंशन यहाँ से यहाँ प्लॉट करनी है ये। तो इस तरह से आपकी टोटल ज्योमेट्री ये बन गई है। तो बेटा टास्क नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो बेटा अब आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, आज का सेशन कंप्लीट है। आप लोगों के सवाल आते तो आप पूछें मुझसे। सर ये पूछना है कि हमने LMS पे कौन सा अपलोड करना है। बेटा LMS पे आपने असाइनमेंट अपलोड करना है, आप ये पूछ रहे हैं? नो सर, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सा अपलोड करना है हमने अभी इस वीक में। बेटा सर जो टास्क हमारे होंगे, हाँ बेटा असाइनमेंट नंबर 2 जो है ना वो लैब टास्क है,
वो मैं आपको खुद परफॉर्म करवा रहा हूँ। टास्क नंबर 3 और टास्क नंबर 4 मैंने आपको आज कराया है, तो आपने इसकी जो DWG फाइल है वो अपने नेम के फोल्डर में बेटा बना के CR को सेंड करनी है सबने, और CR मुझे एक फाइल मुझे सेंड कर देंगे मंगल तक। तो आपका सर, वो जो AutoCAD की जो डिफॉल्ट होती है वो या पिक्चर में फॉरवर्ड में? बेटा जोर से बोलिएगा सर, मैं कह रहा हूँ कि DWG वाली फाइल कौन सी होगी? AutoCAD डायरेक्ट? AutoCAD हाँ बेटा, डायरेक्ट AutoCAD की होगी फाइल, और सेफ फॉर द सेफ साइड आप इसका स्क्रीनशॉट भी उसी फोल्डर में सेव करके आप zip फाइल बना के CR को सेंड करोगे अपने नेम और एनरोलमेंट नंबर से, ठीक है? ओके सर। सर zip कैसे बनाएंगे फाइल, ये बता दें। दोबारा बोलें सर बेटा। सर zip फाइल कैसे बनाएंगे ये बता दें। बेटा वो राइट क्लिक करके आपने zip का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया होगा WinRAR, तो राइट क्लिक करके आप उसको zip कर दें, और वरना CR को भेज देना, CR zip कर देगा अगर उसको आसानी हो। सारा लोड आप CR पे मत डाल देना बेटा, वो भी बच्चा है, वो सबका जो है ना फिर जिप करना शुरू कर देगा, वो मुश्किल हो जाएगी। जी सर। बेटा जिप करने का तो तरीका बहुत आसान है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अपने पास। अगर आपने किसी भी फाइल पे बेटा ऐसे राइट क्लिक करके ना, देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा एड टू लेफ्ट टास्क 8 या एड टू आर्काइव, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी नाम का देखें एक जिप फाइल बन जाएगी, देखें बन गई, ये बन गई। अगर आप इन दोनों को सबको सेलेक्ट करके कर देंगे तो इन सबकी एक जिप फाइल बन जाएगी, एड टू असाइनमेंट देंगे सबकी फाइल बन गई। तो ये फाइल आपने CR को भेजनी है, समझ में आ गया? ठीक है सर। तो इस तरह से करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है। और बेटा टास्क नंबर 3 टास्क नंबर 4 आप कर लें, फिर टास्क नंबर 5 में नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा वो। अच्छा मुझे आपसे ये पूछना था सबसे कि ये टाइम ठीक है क्लास का? यस सर, ये सही है। जी सर, ये सर, वरना फिर हम मंगल को 4 बजे कर सकते हैं, अगर ये ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं सर, ये सही है सर, ये टाइम सही है। ठीक है, सब एग्रीड है, और रिलैक्सेशन का टाइम है, आसान है, ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो थोड़े हम डिफिकल्ट ड्राइंग्स को भी करेंगे, तो उसमें आपको आपके स्किल्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेटा आगे इसका मतलब ऑनलाइन सेशन में ना, मतलब ऑनलाइन अर्निंग में आप काम कर सकते हो उसको काफी, ठीक है। सादिया कुछ पूछना है? बेटा चैम्फर क्यों नहीं हो रहा, क्या किया तुमने? सर एक साइड पर हो गया, दूसरी साइड पर नहीं हुआ, मैं आपको कैसे? एक साइड पर हो गया, दूसरी साइड पर कोई एरर दे रहा है? एरर नहीं दे रहा, मैं दो लाइंस को सिलेक्ट करती हूं तो वो वापस से सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं चैम्फर कमांड सिलेक्ट करके डिस्टेंस देके जब दो लाइन सिलेक्ट करती हूं तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, मैं इसके अंदर ऑप्शन देख रहा हूं कि अगर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ जाए कि तुम अपनी स्क्रीन शेयर करा दो, वो मैंने ऑफ किया हुआ है कहीं से, तो मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा बेटा वो सब लाइनें खत्म क्यों हो जाती हैं, कहीं तुम एस्केप का बटन तो नहीं दबा रही है? अनडू ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हो? लाइन खत्म नहीं होती, जैसे कि दो लाइंस हैं, दो लाइंस पे मैंने चैम्फर करना है, मैं जब दोनों को सेलेक्ट करती हूं ना तो वो चैम्फर कमांड ही खत्म हो जाती है, लाइंस वैसे ही रहती हैं जैसे हैं। अच्छा राइट साइड पे अप्लाई हो गया सर? एक साइड पे अप्लाई हो गया, जो लाइंस के अंदर वाली साइड है, बाहर वाली साइड पे नहीं हो। अच्छा राइट साइड पे अप्लाई हो गया? यस सर। और लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम हो रही है ना? यस सर। अच्छा उसके लिए बेटा आप मुझे अपने स्क्रीनशॉट लेकर ना मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरा नंबर है आप सबके पास? नो सर। जी सर। अच्छा बेटा मैं नंबर तो भेज देता हूँ, मगर मुझे ज्यादा तंग नहीं करना सबके सब मिलके, बस CR के थ्रू कॉन्टेक्ट करना। अगर कभी हेल्प चाहिए तो मैं आपको, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं ना बेटा, 80-90, तो मैं सबको तो जवाब नहीं दे सकता ना। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि CR के थ्रू, वरना ईमेल एड्रेस भी आप सबको भेज रहा हूँ मैं अपना, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा हाल ईमेल ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। यस सर।